नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस वीडियो में मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। फिलहाल देखिए, सभी छात्र लगातार लगातार सुबह से इंतजार कर रहे हैं अपनी थर्ड लिस्ट को, साथ में अपने अपवार्ड मूवमेंट रिजल्ट को लेकर। देखिए, फिलहाल काफ़ी छात्रों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि सर, एक तरह से जो अपवार्ड मूवमेंट रिजल्ट है वो किस प्रकार से देख सकते हैं, साथ में जो थर्ड लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। और कुछ छात्र ये भी बोल रहे हैं कि सर, इस बार जो लिस्ट जारी होगी, जैसे फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है, सेकेंड लिस्ट जारी हुई है, उसी के तरह से जो थर्ड लिस्ट जारी होगी वो हमारी रात को जारी होगी। रात को अप्रोक्सली 12 बजे के बाद में भी जारी हो सकती है, या 10 या मतलब कि 19 तारीख को सुबह 1-1.30 बजे भी जारी हो सकती है, कुछ छात्र बोल रहे हैं, तो उनका भी डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। फिलहाल देखिए किस प्रकार से देख सकते हो। यहां पर गूगल क्रोम पर आप आके पीटीटी सर्च कर सकते हो। यहां पर आपको सर्च करना है pttraj2022.com। सबसे पहले इस लिंक को आपको ओपन कर लेना। ओपन करते ही यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो 18/11/2022। वैसे जो आपकी थर्ड लिस्ट आनी है वो आज ही आएगी, आप टेंशन मत करिए, आज ही आएगी। बाकी आपके अपवार्ड मूवमेंट के रिजल्ट को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो 6:30 या 7 बजे के अप्रोक्सली आ सकता है। सबसे पहले आपका जो अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट है वो आने वाला है, उसके बाद में आपकी जो लिस्ट है वो आने वाली है। देखिए, आने के बाद में आपको जो चालान नंबर है, जिनके मतलब कि आपने 22,000 रुपये पे किए हैं, वो उन नंबरों से आपको यहाँ पर एक तरह से जो नंबर है वो प्रेस कर देने हैं। जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आपको पर आपको मैं कर कर भी बताता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी आपको क्लियर करके बता दिया था, बाकी एक बार और मैं क्लियर करके बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी छात्रों को यहाँ पर पता नहीं रहता है, इसलिए मैं एक बार दोबारा से और बता रहा हूँ आप सभी को। जैसे कि यहाँ पर नंबर लगा सकते हैं अपन 4602-0927। तो यहाँ से अपन इसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको यहाँ पर प्रिंट अलॉटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसी के बाद में आपको नीचे तो एक तरह से पुरानी कॉलेज सो जाएगी और ऊपर आपको सो जाएगी न्यू कॉलेज जो आपको मिली है, और आपकी जो पुरानी सीट है उसको किसी अन्य स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, यानी थर्ड लिस्ट को लेकर। तो थर्ड लिस्ट आपकी देखिए रात्रि को भी जारी हो सकती है, मैं कन्फर्म नहीं बोल सकता, और वो देखने के लिए आप अपने रोल नंबर DOB साथ में जैसे 40+9 करके 49 करके यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जो भी आपका जिस भी कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉट होती है थर्ड लिस्ट में, तो वो आपको यहाँ पर सो जाएगी। बाकी ये अपडेट थी जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। पहले आपका अपवार्ड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका थर्ड लिस्ट जारी होने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अपनी मम्मी कसम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।